हेलो स्टूडेंट, टुडेज योर टॉपिक इज डिवीजन यूजिंग नंबर लाइन। बच्चों, आपने इससे पहले सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पढ़े, उसमें भी आपने क्या किया था? यस, यूज अ नंबर लाइन। जैसे डिवीजन कैन आल्सो बी डन ऑन अ नंबर लाइन। आपको डिवीजन भी इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं जैसे आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन यूज़ किया था। इसी प्रकार से आप डिवीज़न को भी सॉल्व कर सकते हैं इसी मेथड के द्वारा। मेथड क्या होते हैं? मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। जैसे इससे पहले आपने जो चैप्टर था एक्सरसाइज 5.3, इसमें आपने सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग किया था। ओके, कौन सा मेथड यूज़ किया था? सब्ट्रैक्शन मेथड। इसी प्रकार से आप जब यूजिंग नंबर लाइन करेंगे, यानी नंबर लाइन का यूज़ करेंगे, तो इसमें भी आपको सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड यूज़ करना है। कैसे? सपोज देन आपके पास क्या है नंबर? 18 डिवाइडेड बाय 6। 18 डिवाइड करना है 6 तक, तो आपको क्या करना है? 18 से स्टार्ट कीजिए। ओके, एंड 3 स्टेप, 18 माइनस 6। ओके, आप किस में पहुँचे? 18 माइनस 6, तो आप किस नंबर पे पहुँचे? 12। फिर आपने 12 माइनस 6। ओके, तो आप देखिए बैकवर्ड जाए ना? यस, तो 12 माइनस 6 6, देन 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा, स्टार्ट किया था आपने 18 से, और आप कितने स्टेप बैकवर्ड गए? 3 स्टेप, 1 2 3, आंसर इज 3। ओके बच्चों, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 20 डिवाइडेड बाय 10, आप क्या करने हैं? स्टार्ट फ्रॉम 20, 20 माइनस 10। ओके, तो 20 माइनस 10, आपको 10 स्टेप बैक जाना है। ओके, तो जब 10 स्टेप बैक पहुँचेंगे तो वी रीच नंबर 10। ओके, नाउ वंस अगेन 10 नंबर, फिर से 10 माइनस 10, तो हम किस पे पहुँचेंगे? 0 पे। ओके बच्चों, तो ये है सब्ट्रैक्ट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन डिवीज़न। ओके, यानी आपको जो डिवीज़न कर रहे हैं तो वो किस मेथड से कर रहे हैं? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो आप इसी प्रकार से देखिए, 10 से आपने 20 को डिवाइड किया, तो आप कितने स्टेप बैक गए? 2 स्टेप, 1 2, सो राइट आंसर 2। इसी प्रकार से 15 डिवाइडेड बाय 3, 15, नाउ स्टार्ट 15 से, आप 15 नंबर से स्टार्ट कीजिए, और आपको कितने कितने नंबर जंप करना है? एवरी 3 नंबर्स, कितने नंबर जंप करना है? 3 नंबर्स जंप करने हैं बैक। ठीक है, नाउ स्टार्ट 15 से स्टार्ट करेंगे, 3 नंबर बैक चलेंगे, तो कितना पहुँचेंगे? 12। अब फिर से 12 माइनस 3 9, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 3 3, एंड 3 माइनस 3 0। तो आपने देखा कि आप 0 पर पहुँच गए, और कितने स्टेप चलना है, कितने जंप आपने किए? काउंटिंग जंप, 1 2 3 4 5। तो बच्चों, आपने कितने जंप किए बैक में? यस, बैकवर्ड जाते हुए आपने 5 जंप किए थे, तो राइट आंसर 5। ओके, इसी प्रकार से बच्चों आपको 16 डिवाइडेड बाय 4, फिर से उसी मेथड से करना है आपको, स्टार्ट फ्रॉम 16, एंड कितने नंबर जंप करने हैं? 4। ओके, नाउ स्टार्ट 16 माइनस 4। ओके, तो आप कितने नंबर पहुँचे? यस, 12 नंबर पे, 12 माइनस 4, ओके, 8, 8 माइनस 4 4, एंड 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बच्चों, यानी कहने का मतलब है कि आप स्टार्ट तो आपको नंबर से करना पड़ता है, और हमेशा आप किस पर पहुँचेंगे? 0 पर पहुंचना है। ओके, मतलब आप जब तक 0 पे नहीं पहुंचते, तब तक आपका डिवीज़न कंप्लीट नहीं हो
होता है, और फिर वहीं से हम जितने जंप चलते हैं वो हम जंप काउंट कर लेते हैं। जैसे अभी हमने 16 से को डिवाइड किया 4 से, तो आप कितने जंप गए हैं? 1, 2, 3, 4 जंपिंग मैंने काउंटिंग की है, 1 jump, 2 jump, 3 jump, 4 jump, तो आंसर इज 4। ओके, आपको मेथड समझ में आ गया बच्चों? जिस प्रकार से आप लोगों ने अभी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड यूज़ किया था, बस ये भी उसी प्रकार से है। बस इसमें आपको यूजिंग नंबर लाइन का यूज़ करना है, इसमें आपको किसका यूज़ करना है? नंबर लाइन का। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया, अब इस वर्क को आप अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन करेंगे। ओके, डेट मेंशन होनी चाहिए, चैप्टर मेंशन होना चाहिए, एंड एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर। ओके बच्चों, बाय बाय।